प्रधानमंत्री का चुनावी क्षेत्र वाराणसी। यहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 600 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कवर करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन फिर हमें पता चला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। हम वहां पर पहुंचे इस रोड शो के बाद। वहां पहुंचकर हम दंग रह गए। एक तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरी तरफ गंगा। हजारों हजार वर्ष पहले गंगा में स्नान करके लोग सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर भोलेनाथ के दर्शन करते थे। अच्छा, अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि धीरे धीरे छोटे जो मंदिर आसपास बने हुए थे रास्ते में, उन पर अवैध कब्जा शुरू हो गया। अवैध कब्जा करते करते घरों के अंदर उन मंदिरों को छिपा लिया गया था। हम जब गए वहां पर, इधर घर गिरे हुए थे, इधर थे, बीच बीच से मंदिर निकल रहे थे, और पुराण मतलब प्राचीन काल के एकदम पौराणिक मंदिर, इतने खूबसूरत नकाशी उस पर। अब सरकार ने उन घरों को अवैध कब्जा जिनका था उनको ढाना शुरू कर दिया। मंदिर वहां से निकल रहे और रास्ता जोड़कर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है चमकता हुआ, जिसमें गंगा इधर और इधर काशी विश्वनाथ मंदिर। एक पंडित मिले, सुनिए क्या कह रहे हैं। ये आप लोग लगाएं, नहीं आप लोग लगाएं। हमारा रोज का ये धर्म है और कर्म भी है कि इनकी पूजा के साथ साथ हम लोग लगातार माता जी के शासन मोदी जी के लिए पूजा करते ही करते हैं। ये काशीवासियों का प्रथम मतलब उद्देश्य है कि वो जीते। क्यों? इसलिए जीते क्योंकि पहले तो उन्होंने मेरी माता जी को खुला किया सबसे पहले, जो उनको आज तक मतलब जब से ये हैं कई सदियों से, इनको किसी ने इस बंद गलियों में ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा ना ज़्यादा जाना। लेकिन अब जो है मोदी जी की वजह से, मेरी मनोकामना थी कि लाखों लोग इनके दर्शन करें, और आज वही हुआ है कि वहाँ से खड़े होकर कम से कम हजार हजार लोग माता जी को नमस्कार करते हैं, और जिसकी जिनकी वजह से आज मेरी माता जी सजी हैं धजी हैं। मोदी जी के लिए बिल्कुल इतना करके देंगी ना, ये इनको बिल्कुल जिता करके हर जगह से राजा ही बना के रखेंगे काशी का। यही बस हमारी माता जी से इतनी ही विनती है कि जैसे वो जीत रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, आगे भी वो ऐसे ही करते रहें, रुके ना, उनका रथ कभी ना रुके।